हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 जो आपका 2021 में किया जा रहा है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बनते हैं सभी को इसमें बताया गया है। मैक्सिमम आपका 30 क्वेश्चन इस वीडियो में है। 30 क्वेश्चन आपका काफी हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से। फिर आपका जब सभी विनर सभी जीत जाएंगे, किसे रजत पदक, किसे गोल्ड मेडल दिया गया और किसे सिल्वर मेडल दिया गया, तो इस उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2021 में आपका ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक कहाँ आयोजित हो रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से देते जाइए या सेट लगाइए कि किस कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्यो। ये आपका ऑप्शन डी है, ये आपका ऑप्शन बी है। आप लोग जानते हैं कि किस टाइप से आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखे हैं, तो आप लोग जान जाइए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 2021 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। 2021 में आपका जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है टोक्यो में हो रहा है तो जापान करेगा, तो ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण है। यह आपका 2020 जो आपका हो रहा है 2021 में कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 32वां संस्करण है। आप लोग जानिए 32वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना। यह आपका आधिकारिक प्रायोजक कौन बना, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने हैं, ये आपके INOX बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में IOC ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। IOC ने आपके किस प्रकार के गेम्स को ओलंपिक दर्जा दिया है, तो ये आपके ब्रेक डांस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन बनी। पहली महिला नौकायन कौन बनी, तो यहाँ पे आपका नेरथा कुमानन हो जाएगा। नेरथा कुमानन आपके पहली महिला नौकायन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट किसे बनाया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों को बनाया गया है। पीवी सिंधु और मिशेल ली को आपके बिलीव इन सपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख पद से इस्तीफा आपके युशिरो मोरी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ओलंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष आपके हाशिमोटो सेको को बनाया गया है, हाशिमोटो सेको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भवानी देवी, पहली महिला फेंसर बनी है। ये आपके NTPC में पूछे गए जैसे सवाल हैं। एक क्वेश्चन आपको टोक्यो ओलंपिक से दे दिया था, तो आपका मार्च 2021 तक आपका NTPC में पूछा गया क्वेश्चन, तो सभी एग्जामों के लिए आपका ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। यहाँ से आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा की है, तो यह आपका उत्तर कोरिया है जो आपके टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, टोक्यो ओलंपिक में जो कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है जो कि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने के लिए है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में किस देश पर ओलंपिक में आपका भारत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? कौन से देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपके रोमानिया पर आपके प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आईओसी ने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजक किसे बनाया है? आईओसी जो आपके हैं टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजक किसे बनाया है? तो मुख्य प्रायोजक आपके एमपीएल है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये आपके मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। मेल में आपके मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। फीमेल में किसे बनाया गया है? तो फीमेल में आपके रानी रामपाल को बनाया गया है। रानी रामपाल, ये आपके फीमेल में है, ये आपके मेल में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए कि मेल में कौन सा है और फीमेल में कौन सा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? ये आपके लॉरेन हर्बर्ट अवार्ड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया है? भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया है? ये आपके लक्ष्य हैं तेरे सामने, इसे चुना गया लक्ष्य है तेरे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो ये आपके अदिति अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजा वाहक कौन होंगे? टोक्यो ओलंपिक 2020 के ध्वजा वाहक कौन होंगे? तो ये आपके मैरी कॉम होंगे, ऑप्शन ए मैरी कॉम। और पुरुष की बात कर लें, पैरा ओलंपिक में आपका, पैरा ओलंपिक जो आपके होंगे इसके बाद, पुरुष में आपके मरियप्पन थंगा बेलू को होगा, ये आपके उसके बाद होंगे। टोक्यो ओलंपिक के बाद आपका ये आपके पैरा ओलंपिक होंगे, तो उसमें आपका पुरुष में आपके मरियप्पन थंगा वेलु होंगे, ये भी आप लोग जान जाइए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो आपका 3 करोड़, 3 करोड़ देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल विजेता को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका 6 करोड़ देने की घोषणा की है, और 4 करोड़ आपके सिल्वर मेडल वाले को दिया जाएगा, और 2 करोड़ आपके रजत मेडल कांस्य पदक जीतने वालों को दिया जाएगा। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं, तो गोल्ड आपके 6 करोड़ दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से, और सिल्वर आपका 4 करोड़, और 2 करोड़ आपका रजत, या आपके जो कोई भी पदक नहीं जीतेगा तो उसको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण कहाँ पर होने वाली ओलंपिक मशाल रिले को रद्द किया गया? रिले को रद्द किया गया, तो ये आपका जापान में होने वाले थे रिले मशाल, उसको रद्द किया गया। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक कौन बने? ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक कौन बने? तो पहले भारतीय जिम्नास्टिक दीपक कावरा, दीपक कावरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय जिम्नास्टिक बने हैं, ये आपका क्वेश्चन बहुत दिनों तक पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी पहले हैं, पहले से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, पहली बार वो बने हैं या पहले बार जीते हैं, तो ये आपका 5-10 साल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखिए। किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है, तो हिंदुस्तानी वे अनन्या बिरला ने लॉन्च किया है, ये आप लोग जानिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को, कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को मिलेगा। ये आपके दो ऑप्शन मोहम्मद यूनुस हैं, तो आप लोग इसको नहीं देखिए, इसके स्थान पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आपके 49 केजी में वेट लिफ्टिंग में आपका मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। ये जो दिए गए हैं मीराबाई चानू आपको पहले फोटो लगाए हैं, तो ये आपका पहले लिख के रखे तो इसको अपडेट नहीं कर पाए, तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 49 केजी में वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। ये कहाँ की है, तो ये आपके मणिपुर की है, ये आपको याद रखना है। और जो भी विनर होंगे तो उसका एक वीडियो अलग से मिलेगा आपका। 8 तारीख को ये आपका टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका टोक्यो ओलंपिक का दूसरा वीडियो आएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।